रामपुर से मलीना जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्कार। जय हिंद मलीना, स्वागत है आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, उस दिन मुझे लास्ट कॉल लगी थी तो मैं पूरी बात नहीं कर पाई, तो सोच रही हूँ आज मैं थोड़ा बात करूँ। डॉक्टर साहब, मेरे आंखों में से पानी निकल रहा है, मतलब लेफ्ट राइट वाला है तो पानी निकल रहे बार बार, तो इसके लिए आप कुछ बताएंगे। और मुंह में जो है चेहरा पे काला काला सा दाग दाग धप्पा धप्पा सा दिख रहे हैं, तो इसके लिए भी बताएंगे आप। और डॉक्टर साहब, वो जो हाथ पैर में जो सुन्नी सी आती है तो उसके लिए आपने बताए थे, हम मतलब टीवी में सुनती रहती हूँ आपकी, जैसा अदरक की, नींबू की या लहसुन की, तीनों एक एक किलो रस मिला के एक साथ मिलाना है। मिलाने के बाद उसको गर्म कर रख, तो ये इतने दिन, बहुत दिन तो चलेगी, तो इसको कोई गर्म करना है क्या? और इसका मैं जो जैतून की जो सिरका है तो ये भी इसमें तीनों के साथ एक साथ चारों चीज मिला के इसको गर्म करके एक जगह में रखना है या नहीं गर्म करना है? और ये खराब तो नहीं होगी? अगर खराब नहीं होगी तो उसी हिसाब से हमें बनानी पड़ेगी, आप इसको बताएंगे। और तीसरी बात है, जो मैंने उस दिन आपको बताए थे तो टाइम की वजह से पूरी नहीं हुई बात, टांगों में मतलब घुटने से लेके मतलब एड़ी तक मतलब सूखा खुजली होती है, मतलब हल्का हल्का हल्का, आपकी नमक जैतून खाने के सोडा और अलसी भुनी हुई पाउडर ये तो चल ही रहे डॉक्टर साहब, बहुत दिन हो गया। तो ये जो काला काला, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, दाग भी नहीं है, फुंसी भी नहीं है, कुछ नहीं है, मगर इसे नखून से खुजाने के बाद ये चमड़ा काला पड़ गया, तो इसकी जगह में कुछ से लगाने के लिए कुछ है डॉक्टर साहब? तो उसमें मतलब ये काला काला जो है दाग दिखाई दे रहा है, पैर तो कपड़े के नीचे होता है, कितने मतलब गोरा बिल्कुल होना चाहिए तो एकदम काला पड़ गया, तो इस काला दाग को छुटाने के लिए कोई ट्यूब वगैरह या कोई कुछ लगाने के लिए वो भी बता दीजिए। और डॉक्टर साहब इतने ही बता दीजिए, तो मैं कुछ दवाई ववाई मतलब आप बताएंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे, तो उम्मीद है आपकी सारी दवाई तो मेरे कामयाब हो गया। जो निशानात हो गए आपके पैरों पे, चमड़ी पर, तो उसके लिए राई का तेल वो मालिश किया करिए और छोड़ दिया करिए। रात को मालिश की करके छोड़ दिया करिए। और अलसी वाला नुस्खा आप ले ही रहे हैं तो बहुत जल्द वो दाग भी आपके चले जाएंगे। जी, आंखों से पानी। गाजर के ज़माने में गाजर, और गाजर ना हो तो सौंफ का पानी पिया करें। 4 चम्मच सौंफ उबाल कर वो पानी छान कर और उसमें नमक जैतून 2 चुटकी मिलाकर आप ले लिया करिए। आँखों के रोग के लिए आपको फ़ायदा मुमकिन है। एक आती है मुंडी बूटी, उसके 4 पीस उबाल कर पिया करिए रोज़ाना 10 दिन तक, तो उससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, हाथ पैर सुन्न की बात कर रही हैं, और वो जो आप 3 चीज़ों का बताते हैं, अदरक वगैरह का गर्म करने के लिए बोल रही थी। जी हाँ, इसको गर्म भी किया जा सकता है। ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इसको गर्म करके और ठंडा करके रख लेते हैं। वैसे भी आप मिला के रखेंगे तो ये 4 चीज़ों का मिश्रण ख़राब नहीं होता, बशर्ते कि आप जैसे ही वो अदरक और नींबू और लहसुन का जूस निकालें, फौरन जैतून के सिरके में मिला दें, तो फिर ये जैतून का सिरका इसे कभी ख़राब नहीं होने देता। आप इसे फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। तो ये आप इस्तेमाल करें, सेहतमंद रहें, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट कॉलर सुनील जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, देहरादून देहरादून से। जी मेरी मिसेज ये मतलब कमर दर्द, टांग दर्द के लिए ये काला गोंद खा रही है जी, तो क्या इसके साथ इसकी थोड़ा नसों में प्रॉब्लम है, तो वो ये कैप्सूल एक्सकेयर इसके साथ खा सकती है? और दूसरा
ये चार आइटम का जो मिश्रण है, नींबू, लहसुन, अदरक और जैतून का सिरका, इसके साथ इसमें नमक जैतून मिलाकर और एक चुटकी सोडे का मिलाकर लिया जा सकता है इकट्ठा जी? देखिए, ये चार चीज़ों का मिश्रण, इसके साथ आप नमक जैतून और खाने का सोडा मिलाकर ले सकते हैं, एक दो चुटकी मिलाकर ले सकते हैं। दिन में दो तीन बार लेना होता है। और जो काला गोंद वो खा रही हैं, वो अगर एस्केयर कैप्सूल उन्हें खाना हो तो एक टाइम पर काला गोंद खाएं और दूसरे टाइम पर एस्केयर कैप्सूल खा सकते हैं। दिन में दो तीन टाइम ये ले सकते हैं, खाने के बाद लेना बेहतर है, आपकी पत्नी को भी फायदा होना मुमकिन है। बिजनौर से हैं रियादुल हसन साहब, स्वागत है आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मुझे डायबिटीज है पिछले 5-7 सालों से। हाँ। और मैं एलोपैथिक दवाई लेता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा शुगर लेवल बढ़ जाता है और बीपी भी नीचे का बढ़ा हुआ रहता है मेरा। एज कितनी है आपकी? 54 साल। ठीक है सर। अच्छा, देखिए, डायबिटीज एक ऐसा रोग जिसकी अभी पूरी तरह ठीक होने की दवा नहीं है, और डायबिटीज जो नुकसानात पहुंचाती है वो धीरे धीरे हर चीज़ को नुकसान पहुंचाती है, आपके लीवर को, आपके पैनक्रियाज को, आपके किडनी को, आपके दिल को और आपके आँखों को। ये नुकसानात ना पहुंचाए और एलोपैथिक दवा आप लेते रहें और आपका बीपी भी अच्छा रहे, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहे और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, इसके लिए जैतून का सिरका 1 लीटर और 1 लीटर अदरक का जूस, 1 लीटर लहसुन का जूस, 1 लीटर नींबू का जूस निकाल लें, जैतून का सिरका असली लें और ये 3-3 चम्मच 3 टाइम पिया करें। आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी आँखों के लिए, आपके डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, और आप अपनी दवा खाते रहें तो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। डायबिटीज़ वाले ये बात गौर से सुने कि जितना पैदल चलेंगे उतने सेहतमंद आप रहेंगे और उतनी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, पैदल ज़रूर चला करें, मेरा आपसे निवेदन है। आदेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। हाँ सर, ये बता रहे हैं हमारे भूख नहीं लगती। कब से नहीं लग रही है सर? 3-4 महीने हो रहा है। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा देखिए, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को, भूख ना लगना, लीवर ठीक ना होना, पेट ठीक ना होना और मैदा ठीक ना होना, हाजमा ठीक ना होना, पाचन तंत्र ख़राब होना, तो अक्सर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम एलोपैथिक इलाज लेते हैं, उसमें तेज़ असर दवाएं जब हम खा लेते हैं तो हमें भूख लगनी बंद हो जाती है। ये लीवर पर हमारे परेशानी होती है या पाचन क्रिया में सूजन आ जाती है, पाचन तंत्र में सूजन आ जाती है, तो सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी, देखिए 6 चीज़ें हैं ये लें आप, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ों का चूर्ण बनाकर, पाउडर बनाकर रख लें। और एक आता है नमक जैतून,
नमक जैतून अलहदा रखे हैं, इसमें ना मिलाएं। ये दो दो तीन चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं और इस पानी से ये 6 चीज़ों का चूर्ण खाएं, दिन में एक बार या दो बार। खाने से पहले भी खा सकते हैं, खाने के बाद भी खा सकते हैं। इससे आपका पूरा सिस्टम, चाहे लीवर हो, चाहे मैदा हो, चाहे आते हो, चाहे पाचन तंत्र हो, ये दुरुस्त होता है। तो हमें भूख भी लगती है, हाजमा भी होता है और आदमी को लैट्रीन ठीक होती है और बहुत से फायदे होते हैं, ये ज़रूर लिया करें। अगले कॉलर हैं जसवीर जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। हाँ जी सर। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। सर मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मेरे सवाल, तीन चार सवाल लिख दीजिए जरा। जी जी बताइए। एक तो मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, 12 पर डर रखा है। क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है? हाँ जी, 12 है, 12। और 5 साल पहले मैंने आपको फोन किया था, तो मेरे नसों में दर्द होता था पैरों की, ठीक है। तो मैंने गोंद सीरम मंगवाया था आपके यहाँ से, तो वो खाया तो उससे तो मेरा दर्द बिल्कुल रुक गया एकदम। पैरों को तो ठीक है, लेकिन घुटनों से नीचे पैरों में सुन्नपन है और पैर बहुत भारी है, और पैर नीचे अगर ज्यादा खड़े नहीं रहो तो नीचे गिर जाता हूँ, तो उठ नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, भारीपन है पैरों में। ये क्रिएटिनिन कैसे कम होगा, ये जो बड़ा हुआ मेरा। और तीसरा सवाल, और मेरे आंखों में सफेद मोती आया है दोनों आंखों में। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 60 साल है। अभी मेरे ये झटके पड़ते हैं, 5 झटके पड़ते हैं 5 मार्च को, ठीक है सर। तो सब इलाज का तो तुम चेक किया था, डायलिसिस के लिए बोल रहे हो। मैं डायलिसिस अपने घर में 2.5-3 लीटर पानी पीता था, तो उससे मेरे 12 से 8 पे आ गए थे क्रिएटिनिन। अब कैसे कम हो ये बता दीजिए मुझे। ठीक है सर जी। जैतून को सिर्फ मंगा रखा मैंने। अच्छा देखिए, बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन आपका बहुत ज़्यादा है, यानी कुछ बहुत ही ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा तवज्जो दें। और जो भी ज़रूरी दवाएं हैं एलोपैथ की वो भी लें। और वैसे तो आपका डायलिसिस होना चाहिए, ज़रूरी है। जैसे किडनी की गंदगी बढ़ गई है, जिसे हम क्रिएटिनिन कहते हैं। हमारी किडनी हमारे खून की गंदगी को और गैर ज़रूरी चीज़ों को साफ करके पेशाब के रास्ते बाहर करती है। जब किडनी हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो हमारी किडनी की गंदगी बढ़ जाती है, जिसे क्रिएटिनिन कहते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, तो एक तो अलसी लें, हल्का सा भून लें उसे, अलसी को हल्का सा भून लें, ज़्यादा ना भूनें, और इसका पाउडर बना के रखें। 1 चम्मच अलसी खाएं और 2-3 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, और ये पानी से अलसी दिन में 1-2 बार खाया करें, और ज़रूरी हो तो आप डायलिसिस भी ज़रूर कराएं, आप खतरे में हैं। और ये किडनी की गंदगी आपके खून को ख़राब कर सकती है, तो जो ज़रूरी हो आप इलाज करें, ये इलाज भी लेते रहें। जी, पैरों में सुन्नपन और भारीपन। हाँ, सुन्नपन, भारीपन या दर्द, जो पहले आपने नुस्खा लिया गौंसिया का जिससे आपको फ़ायदा हुआ, वही आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। जी, दोनों आँखों में मोतियाबिंद। हाँ, मोतियाबिंद के लिए आप डॉक्टर को संपर्क करें आँखों के, और जब ज़रूरी हो आप ऑपरेट करा सकते हैं।